अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होगा। गर्मियों की सुकात जो टिंडे हैं वो आ चुके हैं। आज मैं आपको पंजाबी स्टाइल में चिकन टिंडे की रेसिपी दूंगी, जो बहुत ही क्विक बनती है, बहुत ही इजी बनती है, इसके साथ साथ बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों से अपनी जो रेसिपी है ना वो शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले हम पैन में हाफ कप ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह कोई भी घी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे अनियन लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसको ऑयल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक एक गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। कलर आना ज़रूरी है। इस तरह का कलर जब आ जाएगा ना तो आपने इसके बाद इसमें चिकन डाल देना है। चिकन यहाँ पे मैंने हाफ के जी लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं या चिकन का कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को आपने ऑयल और अनियन के साथ ना 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इससे क्या होता है, जो चिकन है ना बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बनता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, फुल एक बंच लहसुन का लिया था, जिसमें मैंने पानी डाल के ना उसकी पेस्ट बना ली, वो ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून आपको लाल मिर्च का पाउडर चाहिए, 1.5 टेबल स्पून आपको धनिया पाउडर चाहिए, 1 टीस्पून आपको नमक चाहिए और 1/2 टीस्पून आपको हल्दी चाहिए। अभी तक हम सिर्फ यही स्पाइसेस ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने टमाटर और लहसुन की पेस्ट डाली, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे चिकन को अच्छे से पका लिया है। 5 मिनट के बाद इसके अंदर हम टिंडे ऐड कर देंगे। टिंडों को मैंने इस तरह से कट किया, ज़्यादा छोटा साइज़ भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगाते हैं गलने के लिए। तो बस इस तरह का साइज़ रखें ताकि ये जल्दी से गल जाएं। बस आपने टिंडे जो है चिकन के अंदर डाल के ना इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। टिंडे एक ऐसी सब्ज़ी, अगर इसको सही तरीके से बनाए ना तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, चाहे मटन में हो, चिकन में हो, चाहे सिंपल क्यों ना हो, ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। अब मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 टेबल स्पून आपको साबुत ज़ीरा चाहिए, 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे जो है ना मैंने कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी आपने इस टाइम पे आके डालनी है। सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना। इसको कवर करके आपने तब तक पकाना है जब तक टिंडे और जो चिकन है ना वो अच्छे से टेंडर नहीं हो जाते। बीस मिनट हो चुके हैं, टिंडे चिकन अच्छे से गल चुके हैं। जो टिंडे हैं ना उनको आपने सॉफ्ट रखना, अगर वो हार्ड होंगे ना तो खाए नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना इसको मैं ड्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए, शोरबा नहीं चाहिए। अगर आपको शोरबा चाहिए तो आप उतना ही पानी रख सकते हैं। 5 से 7 मिनट इसको मैंने हाई फ्लेम पे पकाया, इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए। साथ ही इसके ऊपर मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी, फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर डाल दें। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून गर्म मसाला और उसके बाद मैं एंड पे ऐड करूँगी बटर 1 टेबल स्पून। अगर आपको बटर नहीं पसंद आप देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। अब बस यहाँ पे ना 1 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो बटर है ना वो सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। पंजाबी स्टाइल चिकन टिंडे की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपके घर के बच्चे या बड़े इस सब्जी को पसंद नहीं करते तो बिल्कुल आप ऐसे बना के देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर कर दिया करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।